आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर वन यूट्यूबर हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू कैरी मिनाती। प्लीज बैठिए। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे को ना पहले नींद आ रही थी, अब इतना वो ना मेरी पूरी नींद उड़ गई है। अब बताइए आप लोगों के माइंड में, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आप कैरी से पूछना चाहते हैं? सर जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो रैंडमली बंदों ने आपसे पूछा था लाइव स्ट्रीम में, सर आप संदीप महेश्वरी के शो में कब जा रहे हो? तो आपने कहा था इसके लिए मुझे पहले डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। तो माई क्वेश्चन इज राइट नाउ यू आर इन डिप्रेशन? जब मैंने बोला था जब डिप्रेशन होगा तभी मैं आऊंगा, तो अभी मैं डिप्रेशन में हूँ और अपना इलाज कराने यहाँ पे आया हूँ। आपसे एक क्वेश्चन था, आप जैसे जिनके रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये सवाल है जवाब है? आगे सवाल है, तो क्या कभी किसी ने सामने से आपको बोला है कि मुझे रोस्ट करो? बोलते होंगे, I'm sure. बहुत लोग बोलते हैं। तो आप करते हो? नहीं। अगर उसकी हरकतें बहुत बढ़िया हैं तो मैं कर दूंगा, नहीं है तो फिर जाने देता हूँ मैं। ज्यादातर वही होता है, जो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें रोस्ट करो उनका इतना सही होता नहीं है, और जिन लोगों का सही होता है वो इतना बोलते नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं ऑफिशियली सॉन्ग डालता हूँ, 2-3 महीने पैसे करते रहता हूँ मैं। स्पाई म्यूजिक करके मेरा चैनल है, प्लीज अगर वो कर सब्सक्राइब करवा दो। मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, अगर yes, मैंने कर दिया जी ठीक है ना, तेरे हो जाएंगे, तेरे 1 लाख भी हो जाएंगे। यस सर। लेकिन तेरे व्यूज उतने ही आएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं समझा नहीं, तू एक होती है देख, एक जनता दी जाती है और एक कमाई जाती है, तेरे को कौन सी चाहिए? बहुत मुझे कमाना है, मुझे कमाना है सर, ये मुझे तो लोगों का प्यार चाहिए। एक मेरी हवा हो जाएगी एक कि भाई मैं आया ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, कैरी ने तो आगे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा, तेरे को मंजूर है? नहीं सर। तो कमाना भाई। सर मैंने आपकी जो वीडियोस देखी है, मतलब इट्स मोस्टली ऑफ रोस्टिंग, तो सर अगर आपको संदीप सर को रोस्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? क्या आप एक बार बोल दो? मैं संदीप सर को क्या रोस्ट करूं, मैं खुद डिप्रेशन में ऑलरेडी हूं। मैं कहां से रोस्ट लेके आऊं? आप मेरे को रोस्ट करो यार, मैं आपके शो पे आया हूं। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं अभी तो बच्चे ये थोड़ा अमिताभ बच्चन बाहर आ गए मेरे अंदर के। कैसे भाई? ये नहीं करना। तो कैसे हैं आप लोग? एक मिठास भी और साथ में वो भी है, एटीट्यूड भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हैं आप लोग? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रोस्ट करने का आइडिया है ये आपको कैसे आया, मतलब स्टार्टिंग में कुछ और भी था या फिर आपका ये विजन क्लियर था पहले से ही कि आपको रोस्ट ही करना है? जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना तो मैंने गेमिंग से स्टार्ट की थी और मेरा विजन यही था कि मेरे को गेमिंग को आगे बढ़ाना है और गेमिंग को आगे लेके जाना है, जो कि अभी भी मेरा वही एम है। रोस्टिंग एक वैसी चीज़ है जो अगर आप कह सकते हैं कि मैंने उसे नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। इट्स लाइक दैट कि वो कोइंसिडेंस के हिसाब से ना वो काइंड ऑफ फिट हो गई। तो शुरुआत वाले डेज में मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसका कुछ ऐसे हॉट भाभी करके नाम था वीडियो का। वो आपकी पहली रोस्ट वीडियो थी? वो पहली रोस्ट वीडियो थी मेरी। उसमें क्या था, किसका रोस्ट किया था आपने? उसके अंदर ऐसे था सर जो यूट्यूब पे ऐसे हॉट भाभी, हॉट नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे जो भाजा, मतलब जो आप अकेले में देखते थे? नहीं कर दिया ना थोड़ा सा तो कर दिया। हाँ।
ठीक है हाँ। अकेले में नहीं देखते सर, हमारे दोस्त भी होते थे, हम साथ में देखते थे, साथ में देखते थे। तो जब साथ में हम देखते थे, फिर मैंने एक ऐसी सी वीडियो थी और उसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं था, ना उसके अंदर ऐसे आप गर्म हो रहे ना उसमें ठंडे हो रहे हो। तो मैंने कहा इसको तो पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने ऐसी अपना जो मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था उसके साथ कंबाइन करके मैंने वो बना दी। अच्छा, और उसमें आपका फेस नहीं था? नहीं, उसमें फेस नहीं था। अच्छा, और उसपे आप गेम खेल रहे थे? हाँ, और आवाज थी, और पीछे आवाज थी। तो उसपे जितने मेरी पहली वीडियोस थी उस टाइम पे, उससे ट्रिपल व्यूज आ गए। अच्छा, तो मैं कहा भाई पकड़ो इसको। तो मैंने वहीं से मैंने चालू कर दिया। लेकिन मेरा एज सच एम जो अभी भी मैं कहूंगा ना, मेरा एम गेमिंग ही है, कि मेरे को गेमिंग को आगे लेके जाना है। और ये जो है ये एक जरिया है, क्योंकि सब अभी गेमिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें अभी टाइम है। बट हाँ, इसके थ्रू और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर और फोकस करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो आपने टिकटॉक का एंड किया था, मतलब टिकटॉक को गिराया था, द एंड सर, वो वाली वीडियो आपको मतलब कैसे आया सर आइडिया में? वो तो आप पहले भी करते थे, मतलब द एंड क्यों सर? और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर, वो बहुत बड़ा मतलब आपके भी करियर का और टिकटॉक के भी करियर का। तो पहले सही बताऊं तो उस वक्त क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं अपने म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैंने वो वीडियो देखी भी थी, लेकिन मैंने कहा था छोड़ो इसको, कोई पॉइंट नहीं है। फिर मैंने वो वीडियो दोबारा देखी, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो गलत बातें कर रहा है, बहुत गलत बातें। मतलब वो होता है ना एक कि मतलब आप अच्छे बन रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके पीछे की जो वो है ना, क्या कहते हैं, दोगलापन है, जो बिल्कुल सही पकड़े हैं, इंटेंशन, नियत, हाँ जो नियत मतलब, है जो हाँ। वो मेरे को बहुत उसने गुस्सा हाँ। दिलाया। फिर मैंने बनानी चालू करी। तो पहले ना मैंने जब मैं बना रहा था उस वक्त, तो मैंने 3-4 बार वो वीडियो बना ली, लेकिन मेरे को ना वो नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था उसमें से, वो उतनी रॉनेस नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं। मैंने वो ब्रेक लिया और उसके बाद में दोबारा बैठा और अपने आप ही बस आधे डायलॉग्स में कहूँगा मैंने आधे लिखे हैं और आधे फील में अपने आप आ गए उस वक्त पे। फिर उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं जो मेरा बड़ा भाई है उसको दिखाई थी ये वाली वीडियो, तो उसको वो पहली वीडियो होगी जो उसने कहा था कि मेरे को ये दोबारा देखनी है। तो उसको देख के मेरे हाथ पैर कांप उठे थे, मैंने कहा ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। और फिर जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। तो तभी क्योंकि मेरा चाहिए था कि हाँ। ये जो टॉपिक चल रहा है ना ऐसे वो वाले क्रिएटर्स और ये वाले क्रिएटर्स के बीच में एक खत्म हो जाए, बस एक फुल स्टॉप लग जाए। तो तभी मैंने वो टाइटल द एंड रखा था उस पर। और उसके बाद आई थिंक यलगार भी उसके बाद आया था। यलगार उसके बाद आया था। And that was also historical, क्योंकि I think that is one of the most viewed videos, yes. not just in India but all yes. over the world, yes. right? Yes, sir. Big round of applause for him. अरे सर वो सपोर्ट है, मैं कहूँगा अगर लोगों का उस वक्त सपोर्ट नहीं होता ना, क्योंकि मेरे को पता था कि उस वक्त मैं जो भी बनाऊंगा लोग देखेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लग्जरी है कि आपको वो चीज़ बनाने को मिल रही है जो लोग भारी संख्या में देखने वाले हैं। तो जब आपके पास वो मोटिवेशन होती है ना, तो सर मैं बता रहा हूँ उस वक्त आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बना दूंगा वो मैं। I understand. अच्छा वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कभी ऐसा हुआ कि कभी एक्चुअल में आपको मेरी जरूरत पड़ी हो, यानी कि मूड उड खराब हुआ हो? वो तो होता रहता है सर। मैं सही बताऊँ मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे 3 मिनट देखता हूँ जहां पर मैं ज्यादातर आपकी मुस्कुराहट पे मेरा फोकस होता है, उसको देख के मेरा मन करता है। मैंने कहा चलो अब ये बस बहुत हो गया, मेरे को ना अब और देखना है और जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, और उसी से ही वही जोश आ जाता है। जैसे आप 2-3 क्वेश्चन आप इतनी, जैसे आप, मैंने देखा है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप पहले समझते हो, फिर आप मुस्कुराते हो। ये है बेटे, ये तो बहुत बार कर चुका हूं। उसके बाद समझाते हैं। और अगर आप इनकी बातें बीच में छोड़ दोगे, बीच में अगर आप मिड सेंटेंस आप कहोगे ना कि कब, क्योंकि अटेंशन स्पैन छोटा होता है ना लोगों का जब आप बोल रहे होते हो, तो अगर आपकी बीच में छोड़ दूंगा ना मैं बात, तो मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो, मेरे को वो पूरा सुनना पड़ेगा, तब मुझे समझ में आएगा ओके ये कह रहे हैं सर, तब वहां से जोश डेवलप होता है। आप जो ये रोस्टिंग करते हो, रोस्टिंग वीडियोस बनाते हो, इसके पीछे आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है? जैसे लाइक धमकी वगैरह आपके पास आती हो, और रूल्स वगैरह, जैसे आपने किसी को रोस्ट किया
तो आपकी कंप्लेन वगैरह करते हैं वो, और आपको मतलब बहुत काफ़ी सारी प्रॉब्लम का वो करना पड़ता होगा सामना, तो आप उनको कैसे फेस करते हो सर? छाती चौड़ी करके सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ। सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? देख भाई मैं तुझे बताता हूँ, इन चक्करों में ना तू पढ़ ना मेरे को पढ़ने दे। मेरे से बहुत लोग हैं सर, जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो लोग बहुत पूछते हैं कि सर कोई क्या कहते हैं, एक लड़की पटवा दो, लड़की पटवा दो। मुझे इतना गुस्सा आता, मैंने कहा तू पहले मुझे पटवा दे, मैं तेरे को। मेरा भी क्वेश्चन यही है और बहुत सारे लोगों का होगा कि अगर हम लोग एक डेट फिक्स करें कि अगले 5 साल के अंदर अगर हम लोग भी वहां पर बैठना चाहे तो कैसे पॉसिबल होगा, वो सर मेरे को बता दीजिए आप। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर मैं भी आज की डेट में सर, ऑनेस्टली वो बात है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है, कितना आप कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यस, और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं, तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। yes. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज़ आती है ना और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊँ तो वो करेगा ना तो अपने आप वो ग्रोथ होगी। एक बहुत बड़ी बात बोली अभी कैरी ने, जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वो ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। exactly. जैसे कई तरह के आइडियाज आते हैं, उसमें एज अ क्रिएटर ये आएगा माइंड में, चल मैं ये कर लेता हूं, तो जो पहला आइडिया आ रहा है ना वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सबके माइंड में आ रहा है कि इनके जैसा रोस्टर बन जाता हूं, इनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं। बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। बट अगर कुछ ऐसा अजीब सा क्रेजी सा कुछ आइडिया आ गया माइंड में और लगे कि यार ये तो करना बहुत ही मुश्किल है, अब उसमें दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि हर एक के माइंड में यही आया होगा मुश्किल है और वो छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कर गया तो वहां पे फिर भी पोटेंशियल है, वहां पे फिर भी स्कोप है, चांस है। एक और चीज है सर, मैं मानता हूं कि लोग ना अपने आप को जज बहुत करते हैं बनाने से पहले ना कुछ भी, कि अरे यार ये ऐसा होगा, ये लोग देखेंगे, वैसे लोग देखेंगे, तो एक बहुत ही ना अपने आप से ये डिस्कम्फर्ट चलता रहता लोगों का, जो कि मैं कहूँगा कि बच्चों में इतना नहीं होता, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी है कि पहले मैं जितना अपने आप को जज नहीं करता था, अब मैं ज़्यादा करता हूँ, तो वो मेरे को जानबूझ के हटाना पड़ता है फिल्टर, ताकि वापस वही क्या कहते हैं बदतमीजी आ सके। तो बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ अगर आपको कोई वैसा भी काम जो आप कुछ बड़ा वैसा भी करना चाह रहे हो, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जज मत करो, और उसी से ही साइकिल कंटिन्यू होती चली जाती है। सर आपने एक बात कही थी संदीप सर कि पैसे से ऊपर उठो, तो मैं पैसे से इतना ऊपर उठ चुका हूँ कि मेरे को अभी 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। मतलब कितने पैसे हैं आपके पास? सर मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन आपने कहा था पैसे से ऊपर उठो। आप कह रहे हो मैं पैसे से बहुत ऊपर उठ गया हूँ लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, तो खाना पीना रहना सर वो सब कैसे होता है? सर मैं फ्री में सर्वाइव करता हूँ शब्दों के बेस पर। कैसे? आपकी वीडियो देखने के बाद में मैं जिससे बोलता हूँ तो मेरी हेल्प होती है एक बार में ही। मतलब आप कहीं बैठे हो सड़क पे, हाँ। आपके साथ में कोई बैठा है उसको, हाँ। पहले आपने मेरी वीडियो दिखाई, हाँ। देख लो भाई ये कह रहे हैं शेयर विद दोज हु नीड इट द मोस्ट, 20 रुपए। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ऐसे बिल्कुल। और भाई ये तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वीडियोस ऐसे भी इस्तेमाल होने वाली है। सर आपकी प्लेयर है भाई, आपकी वीडियो देख करके मैं जब जंगल में जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा फील होता है ये सब अपने ही है। एक मिनट देखो, एक तो होता है जंगल जिसके बारे में मैं बात करता हूँ अपने सेशंस में, एक जंगल है जिसके बारे में ये बात करते हैं। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप दोनों मेरे सामने बैठे हो, मतलब मैं कैसे बिलीव करूं, मुझे पिंच करो प्लीज आके, मैं क्या बोलूं सर, मैं आप करोगे उनको पिंच? कर देंगे सर, आई विश प्लीज सर। कहां करूं सर? जा बस जा बस, आ जाओ आ जाओ, ठीक नहीं कर लीजिए। मेरे नाखून है नहीं इतने। अरे भाई कैसा है? अरे भाई, अरे ये तो मत करो यार।
सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आप दोनों से है, पहले तो कैरी मिनाटी आप सर आपसे है कि जैसे सबको पता है कि 2020 में आई गेस आपने एक रोज करा था टिकटॉक के ऊपर, सबको ही वो पता है, तो मैं उन शख्स का नाम नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू मार्केट फॉर दैट। तो सर लाइक वो वीडियो आपकी एक टारगेट बन गई थी, लाइक टारगेट इन द सेंस उसने बहुत एक रिकॉर्ड्स आई गेस 20 मिलियन लाइक्स आपको उसमें मिले थे। अरे नहीं नहीं इतने लाइक्स नहीं मिले नहीं सर, मैं इससे पहले उतर गई हूँ नीचे। हम सब एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन है, वो बहुत काफ़ी पब्लिसिटी हुई थी उस वीडियो की, तो वो आप डिलीट हो गई जैसे वीडियो, फिर आप इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एक बार, आपका मतलब यू आर अबाउट टू क्राई आई शुड से दैट, तो उस टाइम हम भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि आप हमें हमेशा हंसाते रहते हो, आपको उस टाइम ऐसे देखा, तो आपने उस सिचुएशन को उस हाई सिचुएशन को डील कैसे करा? सही बताऊं तो वो टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था, ऑनेस्टली वो मेरे लिए काफ़ी बुरा टाइम था, क्योंकि वैसे वाइज आप देखो तो वैसे तो नंबर बढ़ रहे थे पर दिमागी हालत मेरी नीचे जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे का जो स्ट्रेस है, हम लिटरली रोज़ क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ कॉल रख रहे थे और मैं बिल्कुल ही नहीं सो रहा था, मैं मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी उस वक्त, क्योंकि वो US टाइम में भी ऑपरेट करते हैं, तो हम रात तक उठते थे, उनसे लगातार मीटिंग्स करते थे और पूछते थे और ये सब वो सब होता था, तो ऐसे पूरा हफ्ता हमने वहाँ पर स्पेंड किया, जहाँ पर मेरी तो मैं सोया ही नहीं था, बुरी हालत हो गई। तब हमने डिसाइड किया था कि हमें गाना निकालना चाहिए यलगार, क्योंकि वो ही एक अकेला तरीका था, जहाँ पर अगर मैं एक और वीडियो बनाता ना उस वक्त, तो उसके चांसेस थे कि वो भी डाउन हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग उसमें से ढूंढ के उसके अंदर भी स्ट्राइक मार सकते थे। मैंने कहा गाना एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, जहाँ पर आपको जो मैसेज देना है आप वो भी दे सकते हो, एंड एट द सेम टाइम वो आपका ओरिजिनल है, तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके पूरी चेन फॉलो हुई है, लेकिन हाँ वो बहुत भयानक टाइम था। संदीप सर आपसे एक क्वेश्चन मैं बताइए, मतलब बहुत बेचैनी से पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं आराम से, चैन से पूछिए, बेचैनी से नहीं। हाँ बताइए सर, सबको बताए आपके मतलब इतने 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। हाँ हाँ। तो एक बार मैंने आपकी शायद कल के सेशन के बाद ही मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, एंड आपकी एक शॉर्ट आई थी, आई गेस आई एम नॉट श्योर, तो आपने उसमें बोला था कि आपको इतना एड रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप रिजेक्ट कर देते हो, तो लाइक मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने करोड़ों का आपको मंथली आप वो अर्न कर सकते हो, फिर भी किस विल पावर से आप वो रिजेक्ट कर रहे हो? लाइक एक नॉर्मल पर्सन एज अगर मैं हूँ, मैं थाउजेंड्स भी ना रिजेक्ट करूँ, मनी किसको नहीं चाहिए होती है इस उस पे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस विल पावर से आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो? अभी एक मजेदार बात आपको बताऊँ, अभी मैं और कैरी बैठे थे मेरे ऑफिस में, वहां पे कैरी ने मेरे से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा, और मेरे को करीबन हम 15 मिनट तक बैठे थे और यही डिस्कशन चला था हमारा पूरा इसी के बारे में। मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। देखो जिंदगी में ना हर काम पैसे के लिए नहीं होता है। जब मैंने सेशंस करने शुरू करे थे तब मेरी एज थी अराउंड 31 एंड आई वॉज फाइनेंशियली एट अ वेरी गुड पोजिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा था, तो उस टाइम पे देर वॉज अ काइंड ऑफ अ वॉइड विद इन, यानी मेरे अंदर एक क्रिएटर था, वैसा क्रिएटर नहीं जैसा आप समझते हो क्रिएटर, मतलब एक ऐसा क्रिएटर था जो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, एक ऐसी दुनिया जहां पर के सबके लिए उम्मीद हो, सबके लिए एक पॉजिटिविटी का एक सोर्स हो, सबके लिए कुछ ऐसा हो कि अगर कोई इंसान नीचे गिर रहा है तो वो उसको देखे और वो एकदम से उठ करके खड़ा हो जाए। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, और जब मैंने शुरुआत करी थी 11 साल पहले, अगर आपने मेरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा हो जो मैंने त्यागराज स्टेडियम में किया था जिसपे करीबन 8-10 हजार लोग थे, तो वहीं पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था जिंदगी में कभी भी ना मैं आपसे 1 रुपए लेने वाला हूं, ना 1 रुपए लेने के बारे में सोचने वाला हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका नाम अजय नागर है रियल, लेकिन सब आपको कैरिमिनाटी के नाम से जानते हैं, तो कैरिमिनाटी नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या था आपका? कूल बनना था मुझे, और कोई लॉजिक नहीं था उस एज में, यही होता है अगर हाँ लिटरली ऐसा यही होता है उस एज में, ऐसे जब पहले पहले जब होते थे ना तो लोग कहते थे ये पता नहीं कौन है, ये अंग्रेजी नाम क्या है, फिर जाके देखते थे, फिर देखते थे कतई बहुत जोर से हिंदी पेल रखी है उसके अंदर, कहते नाम है क्या, तरीका है ये विदेशी नाम रख के तुम देसी हरकतें करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग,
थैंक यू।